देखिए मैं आज बताना चाहती हूँ कि जब मैंने कहा था कि आई वॉन्ट टू डोनेट माई बुक्स, यू नो, उसके पीछे एक रीज़न है कि शायद आपको पता नहीं है, हॉलीवुड की बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने अपने ब्रेस्ट टिश्यूज जो है वो डोनेट करने वाली है और की करेगी भी, तो मैं उनको फॉलो कर रही हूँ। तो शायद हॉलीवुड के लोग आके यहाँ बोलेंगे तो आप लोग वाह वाह करेंगे, है ना, बट आपकी अपनी राखी सावंत बोले तो आपकी नज़र सीधी इधर जाती है, वाई, यू नो। हेलो गाइस, तो मैं भी एक सोशल वर्क कर रही हूँ और ये अच्छी बात है, कोई आई डोनेट करता है, कोई लंग्स डोनेट करता है, कोई किडनी, कोई कुछ न कुछ डोनेट करता है, एंड आई हैव डिसाइडेड टू डोनेट माई बूब्स टिश्यू, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, मैं हमेशा कुछ अलग करती हूँ। और शिल्पा शेट्टी जी की क्या कहा था आपने, कहाँ पे, दिस इज रियली रेडिकुलस। शिल्पा शेट्टी, शी इज़ अ सीनियर आर्टिस्ट बॉलीवुड में, और ऐसे सिर्फ कलाकारों का बैक क्यों चेक किया गया, यू नो, ये तो ये अगर रूटीन है तो हम कुछ कह नहीं सकते, बट स्पेशली उनका बैग चेक किया गया तो दैट इज़ रियली बैड, ऐसा नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली मोदी जी को एक्शन लेना चाहिए कि ऐसे सेलिब्रिटी को, सेलिब्रिटीज जो है उनके बैग ना चेक करें, उनको चेक करें, मतलब सेलिब्रिटी को खुद चेक करें उनके बैगों में क्या रखा है, जो हम में रखा है बैग में क्या रखा है, यू नो। मैं अपने आप को ले आई हूँ बर्थडे के लिए, मुझसे अच्छी एक्सपेंसिव क्या गिफ्ट हो सकती है। पहले तो मैं योगेश जी को हैप्पी बर्थडे कहना चाहती हूँ, एंड आप जियो हजारों साल, और ऐसी प्लीज, मैंने कहा कि मैं जब आपने मेरा बिग बॉस का ना, मेरा जब परदेसी का पोस्टर लगाया था हर जगह, आज तक मैं पैसे चुका रही हूँ बच्चे में आपके, ही सच ए नाइस पर्सन, एंड मैं बहुत विश करती हूँ और बहुत ही बधाइयाँ देती हूँ। ये डेफिनेटली योगेश जी और मेरा रिश्ता तो बहुत ही पुराना है, जब मैं छोटी थी इंडस्ट्री में आई थी, व्हेन आई वाज अ स्ट्रगलर, तो फर्स्ट टाइम योगेश जी ने पूरे स्ट्रीट पर मेरे पोस्टर लगाए थे परदेसी आके, तो तब से मेरा रिश्ता है, और जब भी उनका बर्थडे होता है, आज तक मैं उनका वो पैसे चुका नहीं पाई हूँ इसलिए उनके बर्थडे में आके मैं होर्डिंग्स के पैसे चुका रही हूँ